गुड इवनिंग माय डियर प्यारे प्यारे क्लास नाइन्थ और क्लास टेंथ के बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स। आज मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं क्लास नाइन्थ और क्लास टेंथ की एनसीईआरटी में चल रहे चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर में। ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि मैं इसमें स्पेसिफिकली कोई एक ज्योमेट्रिकल शेप के बारे में नहीं बात करने वाला, रैदर आज सबके कॉम्बिनेशन के बारे में बात करने जा रहा हूं। एक बच्चा बोला, मतलब सर आप कहना क्या चाहते हो? मैं क्या कहना चाहता हूं इस बात को पहले आप ध्यान से समझो, क्योंकि आज का वीडियो लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले मैं कुल मिलाकर 4 वीडियो लेक्चर दे चुका हूं। सबसे पहले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड समझाया था। उसके बाद मैंने आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर समझाया। फिर मैंने आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कोन समझाया। और उसके बाद मैंने आपको चौथे वीडियो लेक्चर में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फेयर एंड हेमिस्फेयर समझाया। फिर बचा क्या? क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, स्फेयर हो गया, हेमिस्फेयर हो गया। एक बच्चा कहने लगा, सर सब कुछ तो हो गया, बचा क्या है? ऐसा नहीं है, असली कहानी अब शुरू हुई है चैप्टर की। क्योंकि देखो, इंडिविजुअली कोई भी सरफेस एरिया या कोई भी वॉल्यूम जब सॉल्व करने के लिए हमें पूछा जाता है तो वो करना बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ क्वेश्चन को एनालाइज करना है और क्वेश्चन को एनालाइज करके आपको सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है और फॉर्मूला अप्लाई करके आप आराम से उसे सॉल्व कर सकते हो। प्रॉब्लम तब आती है जब कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का क्वेश्चन होता है। अब एक बच्चा बोला, सर ये कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का क्या मतलब है? कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का सीधा सीधा मतलब है कि एक प्रकार की सॉलिड्स की शेप को किसी दूसरे प्रकार की सॉलिड्स के शेप के साथ कंबाइन किया जाएगा। मतलब ये कि सिलेंडर को कोन के साथ, हाँ कर सकते हैं। मतलब कि ये क्यूब को कोन के साथ, हाँ कर सकते हैं। क्यूब को स्फेयर के साथ, हाँ कर सकते हैं। स्फेयर को कोन के साथ, हाँ कर सकते हैं। मतलब ये कि आज का वीडियो लेक्चर पूरी तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स पे बेस्ड है और कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स पे कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं होता। मतलब ये कि फॉर्मूला वही काम आते हैं जो हमने अब तक पढ़े हैं। तो हमने क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा है, हमने क्यूबॉइड का फॉर्मूला पढ़ा है, हमने सिलेंडर का फॉर्मूला पढ़ा है, हमने कोन का फॉर्मूला पढ़ा है, हमने स्फेयर का फॉर्मूला पढ़ा है, हमने हेमिस्फेयर का फॉर्मूला पढ़ा है। ये सारे फॉर्मूलाज मैं आपको ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिटेल में समझा चुका हूं। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है मैं बता चुका हूं, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है मैं बता चुका हूं, वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट की जाती है मैं बता चुका हूं। आज का वीडियो लेक्चर पूरी तरह से एक प्रैक्टिस बेस्ड लेक्चर है, क्योंकि आज के लेक्चर में जो चीजें मैं आपको समझाऊंगा उनके लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं बनाया, उन क्वेश्चंस को करने के लिए वही फॉर्मूला काम आएंगे जो हमने अब तक समझे हैं। तो आज का जो लेक्चर है ना, वो एग्जांपल्स के साथ ही शुरू होगा और एग्जांपल्स के साथ ही खत्म होगा और फिर सिलसिला आगे बढ़ेगा। आप इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आराम से प्रैक्टिस कर पाएंगे। सो अगर अभी तक आप में से किसी ने आज के वीडियो लेक्चर से पहले वाले वीडियो लेक्चर्स को अभी तक नहीं देखा है तो मेरी आपको सजेशन है कि प्लीज आज के वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में जाओ, इससे पहले के 4 वीडियो लेक्चर खुद को समझाओ और फिर लौटकर यहां पर आओ। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है उसकी मैं बहुत ही प्यारी सी हेडिंग डालना चाहूंगा। हम बहुत सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। यानी आज हम पढ़ने जा रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, यानी सॉलिड्स को कंबाइन करके सरफेस एरिया वॉल्यूम कैसे समझा जाता है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद फ्यू एग्जांपल्स। हम पहले कुछ एग्जांपल बनाते हैं, यानी पहले मैं कुछ डायग्राम बनाता हूं और फिर आपको चीजें और जल्दी अच्छे से समझ आ जाएगी। जैसे कि अगर सपोज करो कि ये एक हेमिस्फेयर है, जस्ट देखिए ये एक हेमिस्फेयर है और इस हेमिस्फेयर के ऊपर मैंने एक कोन बना दिया। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कोन एंड हेमिस्फेयर। इसे बोलते हैं कि कोन
हेमिस्फीयर के ऊपर मौजूद है, कौन हेमिस्फीयर के ऊपर मौजूद है, कौन हेमिस्फीयर के ऊपर मौजूद है। अब ऑब्वियस सी बात है कि किताब में हिंदी में नहीं लिखा जाएगा, इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं हेमिस्फीयर इज सरमाउंटेड, इंग्लिश में लिखा रहेगा, मैथ में आप देखोगे हेमिस्फीयर इज सरमाउंटेड बाय कोन, हेमिस्फीयर इज सरमाउंटेड बाय कोन, यानी हेमिस्फीयर के ऊपर कोन है, हेमिस्फीयर के ऊपर कोन है, हेमिस्फीयर इज सरमाउंटेड बाय कोन, हेमिस्फीयर इज सरमाउंटेड बाय कोन। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आइए एग्जाम्पल नंबर टू, एग्जाम्पल नंबर टू, आपने देखा होगा रसगुल्ला, हम सब ने खाया है रसगुल्ला, आप सब खाते हैं, तो रसगुल्ला एक इस तरह से होता है गोल आकार का, और एक होता है गुलाब जामुन, ये गुलाब जामुन है, आपने देखा होगा इस तरह से लंबा गुलाब जामुन मिलता है, या सिंपल शब्दों में कहूं दिस इज अ कैप्सूल, दिस इज अ कैप्सूल, दवाइयों वाला कैप्सूल होता है, दिस इज अ कैप्सूल, और आई कैन से दैट दिस इज अ शेप ऑफ गुलाब जामुन, या मैं कह सकता हूं कि दिस इज अ शेप ऑफ गुलाब जामुन, एंड दिस इज अ कॉम्बिनेशन, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेंडर प्लस और प्लस, तो यहां पे ये क्या चीज है, दिस इज अ हेमिस्फीयर, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों दिस इज अ हेमिस्फीयर, और ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो अ हेमिस्फीयर, सो हेमिस्फीयर प्लस सिलेंडर प्लस हेमिस्फीयर फॉर्म्स द शेप ऑफ अ गुलाब जामुन, या मैं कह सकता हूं फॉर्म्स अ शेप ऑफ अ कैप्सूल, ये बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है। आइए एक और छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक और छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास ये एक सिलेंडर है, हमारे पास ये एक सिलेंडर है, और ये सिलेंडर के नीचे स्फीयर है और ऊपर हमारे पास कोन है, सो लुक एट दिस, लुक एट दिस, दिस इज अ कॉम्बिनेशन, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कोन प्लस सिलेंडर, कोन प्लस सिलेंडर, और प्लस मैं कह सकता हूं मेरे प्यारे प्यारे क्लास नाइन्थ और क्लास टेंथ के बच्चों, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कोन प्लस सिलेंडर प्लस हेमिस्फीयर, प्यारे प्यारे क्लास नाइन्थ और क्लास टेंथ के बच्चों, मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए, मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमें देखने को, हमें करने को, हमें समझने को एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए, सो डोंट थिंक दैट आई हैव कवर्ड ऑल द कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन, जहां जहां क्वेश्चन की इमेजिनेशन जाएगी वो कुछ भी इमेजिन करके कोन को सिलेंडर से, सिलेंडर को कोन से, कोन को स्फीयर से, स्फीयर को हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, आपस में जहां जहां पॉसिबिलिटी है वहां वहां वो चीजों को जोड़ेगा, लेकिन हमें यह समझना है कि अगर इनको जोड़कर कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो वो क्वेश्चन कैसा हो सकता है, तो इन्हें जोड़कर अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो जानना यह है कि वो क्वेश्चन कैसा हो सकता है, ये जानने के लिए शुरू करते हैं हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ये बात मैंने पहले ही कह दी थी कि आज का वीडियो लेक्चर पूरी तरह से एक प्रैक्टिस वाला लेक्चर है, जिसमें मैं आपको ये समझा रहा हूं कि कैसे आएंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सम कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैंने बोर्ड पे जो ये इंफॉर्मेशन दी है इसे एक बार आप अच्छे से घूर लीजिए, अगर आप में से कोई बच्चा इस इंफॉर्मेशन को कहीं नोट डाउन करना चाहे तो इस इंफॉर्मेशन को नोट डाउन भी कर सकता है, और अगर नहीं तो हम सीधा सिलसिला शुरू कर सकते हैं प्रैक्टिस का, सो जस्ट पे अटेंशन ताकि ना हो आप में से किसी बच्चे को कोई टेंशन, इसलिए आप दीजिए अपना पूरा पूरा ध्यान ताकि ना हो आप जरा भी परेशान। तो चलिए अब मैं एक काम करता हूं, इसे मिटाता हूं, और ऑब्वियसली बात है कि मैं किताब अपने साथ लेके बैठा हूं क्योंकि मुझे किताब में से ही कुछ एग्जांपल्स की प्रैक्टिस आपको करानी है, उन प्रैक्टिस के एग्जांपल्स के बेसिस पे आप प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस आराम से कर पाएंगे। आपको मैं कम से कम मान के चलिए 3 या 4 एग्जांपल तो जरूर करा दूंगा, उसके बाद आप जितने भी एग्जांपल खुद से प्रैक्टिस करेंगे वो आप जरूर कर पाएंगे। तो चलिए लेट अस स्टार्ट द प्रैक्टिस, यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, मैं यहां लिख रहा हूं के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, यानी हम करने जा रहे हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, आपको देना है पूरा ध्यान ताकि ना हो मेरा कोई भी बच्चा जरा भी परेशान। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, आइए यहां एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन मेरे सामने आ चुका है, और क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान दीजिएगा, कहता है क्वेश्चन देखो क्या कहता है, अ टेंट, अ टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अ टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ,
a cylinder. A tent is in the form of a cylinder of diameter. हमारे पास एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर का जो डायमीटर है वो क्वेश्चन कह रहा है कि 4.3 मीटर है एंड उसकी जो हाइट है एंड जो उसकी हाइट है वो क्वेश्चन कह रहा है कि पूरे 3.8 मीटर है. सरमाउंटेड बाय अ कोन. सरमाउंटेड मतलब कि उसके ऊपर. सरमाउंटेड का मतलब होता है उसके ऊपर. सरमाउंटेड बाय अ कोन whose vertical angle is 90 degree. Surmounted by a cone whose vertical angle is 90 degree. Find the surface area. Question ne kaha hai, find the surface area and volume of tent. Hame surface area nikalna hai aur volume nikalna hai tent ka. Pehle meri suggestion hai ki aap question ko ek baar acche se dekho. एनालाइज करो कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर मैं किताब को रख कर आपको ये क्वेश्चन समझाता हूं. प्लीज पे अटेंशन, दीजिए पूरा ध्यान ताकि ना हो किसी बच्चे को कोई टेंशन. सो मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9 और क्लास 10 के बच्चों, सो डियर किताब आप करिए यहां आराम, मैं बताता हूं बच्चों को ये क्वेश्चन. अ टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर, यानी सबसे पहला काम होगा फिगर बनेगी. एक टेंट सिलेंडर की फॉर्म में है, तो भैया एक सिलेंडर बना दिया जाए. सिलेंडर बना दिया गया, एक टेंट सिलेंडर की फॉर्म में है. सरमाउंटेड, सरमाउंटेड का मतलब उसके ऊपर. सरमाउंटेड बाय अ कोन जिसका एंगल, जिसका ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है. अभी फिगर में तो आपको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है काफी चौड़ा रहा होगा, यानी ये फिगर कुछ ऐसी रही होगी. अब देखो, कैन यू सी कि 90 डिग्री है. अगर ये फिगर काफी चौड़ी रही होगी तो ये फिगर में ये आपका कोन है और ये आपका सिलेंडर है. दिस इज हाउ द फिगर विल लुक लाइक. दिस इज हाउ द फिगर विल लुक लाइक, मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9 और क्लास 10 के बच्चों. ठीक है जी, अगर फिगर ऐसी दिखेगी तो हम फिगर को ऐसा ही बना लेते हैं और यूज कर लेते हैं. देखते हैं कि क्वेश्चन आ रहा है कितनी आसानी से हो जाएगा. ये एंगल 90 डिग्री है, तो अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं और इस लाइन को अगर मैं यहां जोड़ता हूं तो ये वाला एंगल 45 डिग्री हुआ, ये वाला एंगल 45 डिग्री हुआ. क्वेश्चन ने कहा है कि जो सिलेंडर का डायमीटर है वो 4.3 मीटर है, यानी यहां से लेके यहां तक जो डायमीटर है वो 4.3 मीटर है. तो यहां से लेके यहां तक जो रेडियस होगा दैट इज गोइंग टू बी 4.3 का आधा मीटर. चलो जी मान ले. अब क्वेश्चन कह रहा है कि इट इज सरमाउंटेड बाय अ कोन हुज वर्टिकल एंगल इज 90 डिग्री, हमने बना दिया. और क्वेश्चन में ये भी कहा है कि अ टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर ऑफ डायमीटर एंड हाइट, ये जो इसकी हाइट है वो हाइट में दे रखी है 3.8 मीटर. मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9 और क्लास 10 के बच्चों, हमें सरफेस एरिया निकालना है. देखो सरफेस एरिया में कुछ भी मेंशन नहीं किया है, कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि ये टीएसए है या सीएसए है. तो जब भी आपको कोई भी दो फिगर्स दी जाए, सुनना ध्यान से, जब भी आपको कोई दो फिगर दी जाए तो हमेशा उनकी बाउंड्रीज का सरफेस एरिया निकालते हैं. यानी आप ये लोगे, आप ये लोगे और आप ये लोगे और आप ये लोगे और आप नीचे वाला बेस लोगे. तो सरफेस एरिया मींस बाउंड्री का एरिया, हमेशा याद रखें, प्लीज ध्यान रखें. क्लोज फिगर्स में जब भी फिगर क्लोज होगी, मैं यहां पे लिख रहा हूं क्लोज फिगर्स में, यानी बंद फिगर्स में. क्लोज फिगर्स में, क्लोज मतलब बंद, ये यहां से बंद हो गया, यहां से बंद हो गया, तो बीच में क्या है हमें नहीं पता, बीच में क्या है हमें उससे मतलब नहीं है. क्लोज ऊपर से एक ट्रायंगल बना, तो क्लोज फिगर्स में हमेशा, क्लोज फिगर्स में हमेशा बाउंड्री, हमेशा बाउंड्री का सरफेस एरिया निकालते हैं. हमेशा बाउंड्री का सरफेस एरिया निकाला जाता है, हमेशा बाउंड्री का सरफेस एरिया निकाला जाता है. तो व्हाट इज द बाउंड्री है इस क्वेश्चन में. बाउंड्री में एक ट्रायंगल ये है, एक ये बाउंड्री है और एक नीचे वाली ये बाउंड्री है. बीच में क्या है हमें नहीं पता, बीच में क्या है हमें नहीं पता, बीच में क्या है हमें नहीं पता. सो दिस हिस्सा इज पाई आर एल, दिस हिस्सा इज सी एस ए ऑफ सिलेंडर, दिस हिस्सा इज सी एस ए ऑफ सिलेंडर एंड दिस इज द बेस एरिया. बात समझ रहे बच्चों, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई कौन सा सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया. सो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड में कर्व सरफेस एरिया एज सच कुछ नहीं होता, टोटल सरफेस एरिया एज सच कुछ नहीं होता, रादर क्वेश्चन टू क्वेश्चन सिचुएशन वैरी करती है. इस क्वेश्चन में कोन के नीचे सिलेंडर है, या मैं कह सकता हूं कि सिलेंडर के ऊपर कोन है. तो हम जब भी कोई फिगर बंद हो रही है, जब भी कोई दो फिगर
आपस में जुड़ रही है तो उनकी बाउंड्रीज का सरफेस एरिया निकालते हैं। तो ऊपर की बाउंड्री यहां खत्म, तो दिस इज सीएसए ऑफ कोल, फिर बाउंड्री यहां शुरू, फिर बाउंड्री यहां शुरू, बीच में क्या है हम उसकी बात नहीं कर रहे, अंदर क्या है हम उसकी बात नहीं कर रहे, हमें सिर्फ बाहर से चीजों को देखना है। अगर हम बाहर से देखें तो बाहर से ये आपका पाया है यानी सीएसए ऑफ कोल, बाहर से ये आपका सीएसए ऑफ सिलेंडर और नीचे से हमारा बेस एरिया। तो चलिए सरफेस एरिया निकालते हैं। सरफेस एरिया ऑफ दिस टेन वुड बी सीएसए ऑफ कोल प्लस सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस हमारा बेस एरिया, प्लस हमारा बेस एरिया। मेरे प्यारे प्यारे क्लास नाइन्थ और क्लास टेंथ के बच्चों, तो सीएसए ऑफ टेंथ में पाई आर एल और सीएसए ऑफ सिलेंडर में टू पाई आर एच प्लस बेस एरिया में पाई आर स्क्वायर। आइए अब पाई आर एल में आर तो है, क्या एल है हमारे पास? नहीं है, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। एल कैसे निकालेंगे? अगर मैं इस पॉइंट को ए बोलता हूं और इस पॉइंट को मैं बी बोलता हूं और इस पॉइंट को मैं सी बोलता हूं, सो इन ट्रायंगल ए बी सी ये थीटा है, थीटा के ठीक सामने ये परपेंडिकुलर की तरह काम करेगा। ट्रिग्नोमेट्री की बातें है, ये ट्रिग्नोमेट्री की बातें क्लास टेंथ के बच्चों को जल्दी समझ आएगी, ये बात क्लास नाइन्थ के बच्चों को समझ नहीं आएगी। तो क्लास नाइन्थ के बच्चे परेशान ना हो, क्योंकि क्लास नाइन्थ में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि क्लास नाइन्थ में हमने जहां तक किया है वहां तक सफिशिएंट है, लेकिन फिर भी ये वीडियो लेक्चर क्लास नाइन्थ के बच्चे देख सकते हैं, और अगर उन्हें ट्रिग्नोमेट्री समझनी है तो वो ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर भी देख सकते हैं मेरे। हालांकि उन्हें अभी नाइन्थ क्लास में इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। दिस क्वेश्चन इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी ऑफ क्लास टेंथ, नॉट ऑन द एनसीईआरटी ऑफ क्लास नाइन्थ, बट आई डू नॉट हेजिटेट इन गिविंग एक्स्ट्रा नॉलेज टू माई स्टूडेंट। इसलिए अगर आप नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट है और आपको यहां पे दिक्कत आ रही है तो बहुत नॉर्मल है ये बात, क्योंकि आपको ये टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री नाइन्थ क्लास में नहीं पढ़ाया गया है जो यहां पे काम आ रही है। तो टेंथ क्लास के बच्चे थोड़ा ध्यान दें, नाइन्थ क्लास के बच्चे थोड़ा अटक के ध्यान दें, मतलब आगे आने वाले क्वेश्चन आपको समझ आ जाएंगे। हर क्वेश्चन नाइन्थ क्लास के बच्चे को समझ आए ये जरूरी नहीं है, लेकिन टेंथ क्लास के बच्चों को समझ आएगा क्योंकि टेंथ क्लास के कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। तो इन ट्रायंगल एबीसी थीटा के ठीक सामने परपेंडिकुलर, अगर ये परपेंडिकुलर है और अगर ये आपका बेस की तरह काम करेगा तो ये हाइपोटेन्यूज की तरह काम करेगा। तो यहां लिख सकता हूं इन ट्रायंगल एबीसी साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू पी बटा एच, तो मैं बोल सकता हूं साइन 45 के ठीक सामने आर इज परपेंडिकुलर एंड स्लांट हाइट की जगह हाइपोटेन्यूज की जगह हमारे पास एल होगा, तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 R divided by L, or I can say that L is equal to root 2 times of R. तो L की वैल्यू मुझे मिल गई मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th और क्लास 10th के बच्चों, लेकिन प्राइमरीली क्लास 10th के बच्चों, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन क्लास 10th के बच्चों के लिए ज्यादा मायने रखता है। तो L यहां आ गया, root 2 यहां आ गया, तो L is equal to root 2 R, हमारे पास L की वैल्यू आ गई। अगर L is equal to root 2 R आया तो root 2 multiplied by R, 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 R ये रहा, यानी R है 4.3 का, अब 4.3 का आधा, अगर R 4.3 का आधा है तो हम चाहे तो उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो हमारे पास आ गया 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, यानी 2.15, तो L की वैल्यू कम्स आउट टू बी 2.15 साथ में रूट 2। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इस L की वैल्यू को हम यूज कर सकते हैं यहां पर, इस L की वैल्यू को हम यूज कर सकते हैं यहां पर, यस और नो, इस L की वैल्यू को हम यूज कर सकते हैं यहां पर। तो मैंने L कैसे निकाला एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि अब मैं ये मिटाने जा रहा हूं, क्योंकि अगर मैंने ये लिखे रहने दिया तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के मेरे पास जगह नहीं बचेगी। तो प्लीज एक बार बोर्ड पे दीजिए पूरा ध्यान ताकि ना हो मेरा कोई बच्चा जरा भी परेशान, दीजिए पूरा ध्यान ताकि ना हो मेरा कोई बच्चा जरा भी परेशान। क्या है मैंने करके दिखाया और क्या है मैंने आप सभी को बताया। मेरे प्यारे प्यारे क्लास नाइन्थ और क्लास टेंथ के बच्चों, ये चीज बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसपे आपको देना है पूरा ध्यान ताकि ना हो मेरा कोई भी बच्चा जरा भी परेशान। तो ये चीज बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे पूरी तरह से आप ध्यान दीजिए। अब आपको मैं एक चीज और बता दूं, यहां पे कई सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर है तो ये 10t
मैंने कहा हाँ यार है तो ये टेंट ही। अब टेंट में जो टेंट लगता है वो जमीन से ऊपर लगता है और ऐसे लगेगा, क्या जो बेस है वहां टेंट लगेगा? नहीं, बेस में तो मिट्टी होगी, इसलिए हम इस क्वेश्चन में बेस एरिया काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि टेंट शुरू यहां से होगा, टेंट शुरू यहां से होगा, ये टेंट की जमीन वाला शेप है, ये ग्राउंड है। अगर क्वेश्चन में मेंशन होता कि नीचे से भी कवर कर रहे हैं तो हम ऐसा करते, तो ये वाला इलाका ग्राउंड का इलाका है, ग्राउंड को कंसिडर नहीं करेंगे टेंट में। यानी एक बच्चा कहता है सर मैथमेटिक्स से ज्यादा कॉमन सेंस भी यहां पे काम आएगी। हाँ जी, मैथमेटिक्स से ज्यादा कॉमन सेंस यहां काम आएगी। भला दुनिया का कौन सा ऐसा टेंट है जिसमें टेंट का कपड़ा जमीन पे लगता है? क्या टेंट का कपड़ा जमीन पे लगता है? नहीं। तो टेंट का सरफेस एरिया जमीन वाला आपने काउंट क्यों करा? मैंने काउंट जान पूछ के करा ताकि मैं आपको यह सिखा सकूं कि क्यों नहीं करना। मतलब सर आपने पहले से सोच लिया था कि आप बाद में इसे कटवाओगे? हाँ बच्चों, मैंने पहले से सोच लिया था कि बाद में इसे कटवाऊंगा, लेकिन मैंने आपको यह बताया इसलिए क्योंकि हर क्वेश्चन टेंट का क्वेश्चन हो यह जरूरी नहीं है। कुछ क्वेश्चंस में बेस का एरिया कंसिडर करना पड़ता है। ये क्वेश्चन टेंट का क्वेश्चन है, इसलिए बेस का एरिया कंसिडर नहीं करेंगे। बातें समझ आनी चाहिए प्यारे प्यारे क्लास 9th और क्लास 10th के बच्चे को, खास करके क्लास 10th, क्योंकि 9th के पर्पस से ये क्वेश्चन नहीं बनाए, लेकिन फिर भी सीखो, फिर भी देखो, समझ आना चाहिए। ओके सर, मान गए आपकी बात। 2.5 को जब रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैं आपको बता दूं रूट 2 की जो वैल्यू होती है L is equal to 2.15 multiplied by 1.414, ये approximately 3 के बराबर आता है, मतलब approximately बोलूंगा मैं, approximately 3 आता है, तो L को मैंने 3 मान लिया, approximately 3 आता है, please check कर लेना बच्चों, अगर मैं L की वैल्यू 3 इस्तेमाल करता हूं और ये जो मैंने करके दिखाया उसे मैं मिटा देता हूं, ये जो मैंने करके दिखाया उसे मैं मिटा देता हूं, तो ध्यान से देखो मेरे पास क्वेश्चन को करने की अच्छी खासी जगह बच जाती है। तो भैया आप भी गायब हो जाओ, बेस एरिया आप भी गायब हो जाओ। तो ध्यान से देखिए, नाउ CSA या सरफेस एरिया ऑफ दिस टेंट इज CSA ऑफ 4, ये वाली बाउंड्री, यानी कपड़ा यहां पे, बीच में तो हवा होगी क्योंकि टेंट है, कॉमन सेंस है। तो टेंट की शेप ऐसी है कि यहां पे कोनिकल पार्ट, यहां पे कोनिकल पार्ट, ऐसा और ऐसा, नीचे जमीन, बीच में पूरी हवा। तो दिस इज अ CSA ऑफ सिलेंडर। कौन का CSA? साफ पता चल रहा है पाया है CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाया है। तो मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th और क्लास 10th के बच्चों, हम लिख सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ टेंट हम लिखेंगे यहां पे, हमारे पास आ गया 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर। आर कितना था? रेडियस कितना था? डायमीटर का आधा। डायमीटर कितना था? 4.3। तो हमारे पास आ गया 4.3 का आधा 2.15 आर की जगह, और एल की जगह हमने 3 निकाला था। कैसे निकाला आप अच्छी तरह जानते हो, 2 × 22/7 इंटू सिलेंडर, तेरा रेडियस कितना है? 4.3 का आधा, यानी इसका रेडियस हो गया हमारे पास 2.15, और मल्टीप्लाई बाय इसकी हाइट कितनी है हमारे पास? 3.8। अब सॉल्व करना पड़ेगा, चलो जी करें। सरफेस एरिया ऑफ टेंट इज इक्वल टू 22/7 को मैंने बाहर निकाल लिया, मल्टीप्लाइड बाय 2.15 को मैंने बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट में यहां पे बचा 3, यहां पे बचा प्लस, यहां बचा 2, और मल्टीप्लाइड में बचा 3.8 और ब्रैकेट क्लोज, ये कॉमन निकाला मैंने। तो 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 215, इसका डेसिमल हटाया, नीचे मैंने पूरा 100 लगाया, ब्रैकेट में यहां पे 3 लगाया, प्लस 3.8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3.8 को 2 × 16, 2, 3, 6 और 7.6, ये मैंने 7.6 लिया, ब्रैकेट को क्लोज कराया, 22/7 लिखा, फिर 215 लिखा, 215 के नीचे 100 लिखा, मल्टीप्लाइड बाय 7.6 में 3 को ऐड कराया, तो मेरे पास आ गया 10.6, डेसिमल हटाया, नीचे एक 10 लगाया। एक बार मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9 और क्लास 10 के बच्चों घूरो,
मैं चाहता हूं कि मैं बोर्ड के आगे से जब हट जाऊं ना, तो आप लोगों को मेरे द्वारा की हुई, बताई हुई, समझाई हुई, लिखवाई हुई बोर्ड पे सारी बातें नजर आनी चाहिए, ताकि आपको चीजें समझ अच्छे से नहीं बहुत अच्छे से आए। तो मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9 और क्लास 10 के बच्चों, मैं आगे से हट चुका हूं और आपके लिए मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन कराया है। प्लीज प्लीज इसे एक बार देख लीजिए, है कोई डाउट तो आप मुझे पूछ लीजिए। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो दिस विल कम आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली, जो मुझे लगता है, 71.83 मीटर स्क्वायर। मैंने क्या किया है, मैंने तो सीधा किताब से देखकर आंसर लिख दिया। आपने क्या मुझे कहीं सॉल्व करते हुए देखा? मैंने तो सॉल्व करके दिखाया नहीं, हालांकि मैं सॉल्व करता तो टाइम जाता, टाइम को सेव करते हुए मैंने ये कर दिया। लेकिन आप प्लीज मेरे इस आंसर को वेरीफाई कर लेना, मैंने तो किताब से देख के लिख दिया, आप जरूर वेरीफाई कर लेना मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th और क्लास 10th के बच्चों, क्योंकि मैं आपको मैथमेटिक्स करना नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ये सब कुछ आपको आता है, इसलिए उसका समय बचाते हुए मैंने ये आंसर लिखा है। प्लीज एक बार देख लीजिए, हमारे इस क्वेश्चन का पहला पार्ट खत्म हो चुका है। हमारे इस क्वेश्चन का पहला पार्ट था टू डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द टेंट। हमने टेंट का सरफेस एरिया बहुत अच्छे से निकाल के यहां पे दिखा दिया मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th और क्लास 10th के बच्चों। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट। वेरी सिंपल, टेंट की वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सही पकड़े हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। दीजिए पूरा ध्यान ताकि ना हो कोई बच्चा परेशान। तो वॉल्यूम ऑफ टेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अगर वॉल्यूम ऑफ टेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो इट इज गोइंग टू बी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूं तो पाई आर स्क्वायर एच को मैंने बाहर निकाला और पाई आर स्क्वायर एच को बाहर निकाल के ब्रैकेट में यहां पे 1/3 प्लस 1 लगा डाला। बोलो लाइफ हो गई जिंगा लाला। तो पाई आर स्क्वायर एच 1/3/3 या सिंपल शब्दों में कहूं 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक बार नहीं, मैं कहता हूं दो बार सही मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्लास 9th और क्लास 10th के जरा देखो जो मैंने है किया उसको जरा आप घूरो तो सही। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन एक बच्चा बोला कि सर ये गलत है। हाँ मेरे बच्चों ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कोन की हाइट और सिलेंडर की हाइट सेम नहीं है। क्योंकि कोन की हाइट और सिलेंडर की हाइट सेम नहीं है, इसलिए एक्साइटमेंट में आके ऐसा मत कर देना। आओ सॉल्व करें। लेकिन कोन का रेडियस और सिलेंडर का रेडियस सेम है। हाँ सर, सो देयरफॉर पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे और हम लिखेंगे 1/3 H1 + H2। अब देखो मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9 और क्लास 10 के बच्चों, जब मैं आगे से हट जाता हूं तो मेरे हटने का सिर्फ एक ही पर्पस होता है कि जो मैं कर रहा हूं क्या वो आपको नजर आ रहा है, और अगर वो आपको नजर आ रहा है तो है उम्मीद कि मेरे बच्चों को समझ आ रहा है। तो चलिए सीधा सीधा वैल्यू पुट करते हैं। पाई तेरी वैल्यू 22/7, रेडियस तेरी वैल्यू 2.152.15, ब्रैकेट में 1/3 H1। H1 मींस हाइट ऑफ द कोन। अरे कोन की हाइट दे रखी है क्या? हमारे पास कोन की हाइट दे रखी है क्या? ना रे, कोन की हाइट भी दे रखी, हमें कोन की हाइट भी निकालनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, अभी निकालेंगे। H1 प्लस हमारे पास H2, H2 मतलब सिलेंडर की हाइट। सिलेंडर की हाइट कितनी रखी है? 3.8। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th और क्लास 10th के बच्चों, एक बार नहीं मैं कहता हूं दो बार सही, घूरो तो सही, जरा मेरी बात को आप समझो तो सही। तो चलिए हम एक काम करते हैं, अब सीधा सीधा कोन की हाइट निकालते हैं। सो कोन की हाइट कैसे निकलेगी? वेरी सिंपल। देखो कोन की हाइट कैसे निकलेगी, वेरी सिंपल। इन ट्राइंगल एबीसी, सी अगर हम यहां मैं लिखूंगा, अगर हम cos 45 निकाले तो बच्चा बच्चा जानता है कि cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो इस 45 के लिए बेस कौन? AB। हाइपोटेन्यूज कौन? AC। AB कौन? हाइट। AC कौन? L। तो क्या मैं लिख सकता हूं cos 45 की वैल्यू 1/√2 इज इक्वल टू H/L, और आई कैन से दैट H इज इक्वल टू L/√2, और आई कैन से दैट H इज इक्वल टू 3/√2।
एच की वैल्यू को उठा के हम हाइट ऑफ द कोन में पुट कर सकते हैं, तो हमें प्राप्त होगा वॉल्यूम का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार, 22/7 इंटू 2.15 इंटू 2.15 ब्रैकेट में 1/3 एच वन तेरी जगह बिठाया किसको 3/√2 को प्लस 3.8। सॉल्व करना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, मैं नहीं कर रहा हूं तो मुझे तो आंसर पता है। अप्रोक्सीमेटली आंसर जो आता है 6.6561 मीटर क्यूब कम्स आउट टू बी द वॉल्यूम ऑफ दिस फिगर, या मुझे कहना चाहिए द वॉल्यूम ऑफ दिस टेंट, जिसमें नीचे वाले हिस्से में एक सिलेंडर है और ऊपर वाले हिस्से में एक कोन है। प्यारे प्यारे क्लास 9th और क्लास 10th के बच्चों, मैं जानता हूं कि इस क्वेश्चन में कुछ ऐसी बातें मैंने कही हैं जो क्लास 9th के बच्चों के लिए पूरी तरह से नहीं है, तो अगर आप क्लास 9th के बच्चे हैं और आपको इस क्वेश्चन को समझने में जरा सी दिक्कत आई है या जरा से भी ज्यादा आई है तो प्लीज परेशान मत होइए, हो सकता है कि अगला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ जाए। कुछ क्वेश्चन में 10th क्लास की ट्रिगोनोमेट्री काम आती है, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में क्यूरियोसिटी है जानने की कि भैया ये ट्रिगोनोमेट्री क्या है, तो मैं बता दूं ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th की मैथमेटिक्स का एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, जिसे अगर आप क्लास 9th में बैठे बैठे भी देख लोगे ना तो मुझे कोई गम नहीं है, आपको समझ आ जाएगा। आप मेरे वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मौजूद है, आपको एक्स्ट्रा ज्ञान ही मिलेगा, फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। प्यारे प्यारे क्लास 9th और क्लास 10th के बच्चों, एक बार मैं चाहूंगा कि इससे पहले कि मैं इसे मिटा दूं, बोर्ड पे दी गई सारी जानकारी, बोर्ड पे लिखी गई सारी इंफॉर्मेशन को अच्छे से घूर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, ताकि मैं इसे मिटाकर अब हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाऊं। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th और क्लास 10th के बच्चों, तो इसे मैं हूं मिटाने जा रहा और अगला एग्जाम्पल देके कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के एक और एग्जाम्पल से टॉपिक को हूं आगे बढ़ा रहा, और ऐसा करने के लिए मैं सहारा डियर किताब देवता का ले रहा। तो हम कर रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। डियर किताब देवता, आप मेरे पास आ जाइए और आप ही की मदद से मैं बच्चों को क्वेश्चन करा रहा हूं। तो चलिए मैं बच्चों को प्यारा सा क्वेश्चन कराऊंगा, आपको दे रहा है पूरा ध्यान, ताकि ना हो मेरा कोई बच्चा परेशान। लेट मी सर्च अ वेरी नाइस क्वेश्चन विच यू मी एंड वी ऑल कैन इजिली डू। आइए, एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है अ बॉयलर होता होगा कुछ, बॉयलर क्या होता है आइए जानते हैं। अ बॉयलर इज इन द शेप ऑफ, अ बॉयलर इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, एक बॉयलर सिलेंडर की शेप में है। अ बॉयलर इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर पूरे 2 मीटर लंबा, यानी पूरे 2 मीटर लॉन्ग विद हेमिस्फेरिकल एंड्स। क्वेश्चन कह रहा है कि जो उसके एंड्स हैं वो हेमिस्फेरिकल है, विद हेमिस्फेरिकल एंड्स ईच ऑफ 2 मीटर डायमीटर। अरे भाई ठीक है, ईच ऑफ 2 मीटर डायमीटर। क्वेश्चन ने कहा है फाइंड द सरफेस एरिया एंड volume of boiler। भाई देखो, boiler का मतलब कोई ऐसी चीज जो boil करने के काम आ रही है। So dear किताब देता, आप करिए थोड़ा सा आराम, मैं लौट के आऊंगा अपने बच्चों को बताऊंगा। अब boiler is in the shape of a cylinder। मान लीजिए कि ये हमारे पास एक सिलेंडर की शेप है, मैं जान पूछ के ऐसा बना रहा हूं इस तरह से ताकि अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो सके। ये इसका एक हेमिस्फेरिकल एंड और ये इसका एक दूसरा हेमिस्फेरिकल एंड। तो अब बॉयलर इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, तो बॉयलर में साफ साफ दिख रहा है कि ये सिलेंडर वाला हिस्सा है और क्वेश्चन कह रहा है विद हेमिस्फेरिकल एंड्स। तो ये पहला हेमिस्फेरिकल एंड, पहला हेमिस्फेरिकल एंड है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और ये दूसरा हेमिस्फेरिकल एंड है, वो पहला हेमिस्फेरिकल एंड है और ये दूसरा हेमिस्फेरिकल एंड है। ईच ऑफ 2 मीटर इन डायमीटर, यानी यहां से लेके यहां तक का जो डायमीटर है वो क्वेश्चन के अनुसार 2 मीटर है, यहां से लेके यहां तक जो डायमीटर है वो क्वेश्चन के अनुसार 2 मीटर है, तो यहां से लेके यहां तक जो रेडियस होगा वो 1 मीटर होगा, यहां से लेके यहां तक जो रेडियस होगा वो 1 मीटर होगा। बोलो क्या मेरे किसी बच्चे को कोई डाउट होगा? अब क्योंकि ये क्लोज फिगर है, अंदर क्या है हम नहीं जानते। मैंने आपको थोड़ी देर पहले
ट्रिक बताई थी। नाइन्थ क्लास के बच्चे भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं, तो घबराना नहीं है, ध्यान देना है पूरा। आपको नहीं होगी कोई टेंशन अगर आप देते हैं पूरी अटेंशन। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, मैंने आपको एक टिप बताई थी। क्या थी टिप? टिप ये थी कि क्लोज फिगर्स में सरफेस एरिया हमेशा बाउंड्री का निकालते हैं। ये टिप है। सो देयरफॉर मैं यहां लिख सकता हूं टीचर देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ बॉयलर। इस सरफेस एरिया को ना तो हम CSA कहते हैं ना ही हम TSA कहते हैं। कहने को वैसे प्रैक्टिकली से देखा जाए तो TSA ही बोला जाता है, लेकिन मैं सिर्फ सरफेस एरिया बोल रहा हूं। तो सरफेस एरिया ऑफ बॉयलर इज CSA ऑफ हेमिस्फीयर, यानी लेफ्ट वाला हेमिस्फीयर। यानी अगर मैं बाउंड्री की बात करूं तो बाउंड्री यहां से लेके यहां तक। बोलो किसी बच्चे को कोई डाउट मेरे साथ यहां तक? अगर नहीं तो सरफेस एरिया ऑफ बॉयलर इज CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर उसके बाद मैं लिख सकता हूं प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। वापिस से प्यारे क्लास 9th और क्लास 10th के बच्चों, तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2πr² प्लस CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πrh। वापिस से 2πr² यानी सिंपल शब्दों में कहूं तो 4πr² प्लस 2πrh। आइए दीजिए पूरा ध्यान। सरफेस एरिया ऑफ बॉयलर इज इक्वल टू 4πr² प्लस 2πrh। अब मैंने क्या करा, मैंने 4π और 2π में से 2π कॉमन निकाल लिया, यहां पे बचेगा 2 और r का स्क्वायर। 2π कॉमन निकाल लिया, यहां बचेगा r और h। तो मेरे प्यारे क्लास 9th और क्लास 10th के बच्चों, 2 मेरे पास है रेडियस का स्क्वायर। ये रेडियस किसका है? हेमिस्फीयर का। कितना था? 1 मीटर, तो 1 ही आएगा। प्लस रेडियस किसका? सिलेंडर का। वो कितना है? 1 मीटर, तो 1 ही आएगा। हाइट कितनी सिलेंडर की? 2 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर लंबा, तो यहां पे 2 आ गया। प्यारे क्लास 9th और क्लास 10th के बच्चों, 2 बन जा 2 और 1 2 जा 2, तो जरा घूर लीजिए। 22 2 जा 44 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइड बाय 7। एक बार नहीं, मैं कहता हूं 2 बार सही मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 9th और क्लास 10th के। जरा तो मैं हूं सिखा रहा उसकी और घूरो तो सही, क्या मेरे बच्चों को चीजें हैं समझ आ रही, क्या कॉन्सेप्ट है आपको समझ आ रहा, क्या पूरा का पूरा दिमाग में है आपके बैठ रहा? तो मेरे प्यारे बच्चों आइए, 44 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 44 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 4 16 और 176, तो मेरे पास आता आपका 176 डिवाइड बाय 7, तो ये आ गया 7 2 जा 14 और 36, 7 5 जा 35 और 10, 7 1 जा 7 और 30, तो 725.14। तो आंसर कम्स आउट टू बी एप्रोक्सीमेटली 25.14 मीटर स्क्वायर। प्यारे क्लास 9th और क्लास 10th के बच्चों, एक बार देख लीजिए कि मैंने कैसे है क्वेश्चन किया और कैसे है क्वेश्चन को करके आपके लिए आसान बनाया। क्या मेरे बच्चों को पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से है समझ आया? दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ऑल नीड टू पे अटेंशन, ताकि ना हो कोई टेंशन। मेरे प्यारे क्लास 9th और क्लास 10th के बच्चों, एक बार नहीं मैं कहता हूं 2 बार सही, 2 बार नहीं तो मैं कहता हूं 3 बार सही, इस बात को जरूर भूलिएगा तो सही। देखिए अगर कोई मिस्टेक हो तो प्लीज करेक्शन कर लीजिएगा। क्या डिवीजन हमने सही किया है? 7 टू द 14 और 14 के बाद 36, 7 टू 35, 110 लगाया उसके 30 आ गया और हमारे पास आ गया आपका 35 लगा के 10 लगा 7। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, कोई मिस्टेक हो तो प्लीज करेक्शन कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट, हम जो करने जा रहे हैं उसे हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ बॉयलर। अगर मुझे बॉयलर की वॉल्यूम निकालनी है तो बॉयलर की वॉल्यूम कैसे निकाली जाएगी? तो बॉयलर की वॉल्यूम निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, वेरी सिंपल। वॉल्यूम ऑफ दिस बॉयलर, मेरे प्यारे बच्चों, वॉल्यूम ऑफ दिस बॉयलर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ ईच हेमिस्फेरिकल एंड। टोटल 2 हेमिस्फेयर है ना,
तो ईच हेमिस्फेरिकल एंड उनकी वॉल्यूम को भी ऐड किया जाएगा। तो आइए नेट वॉल्यूम अगर मुझे कोई कहता है निकालने के लिए, तो नेट वॉल्यूम में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ ईच हेमिस्फेरिकल एंड में 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। देखिए जरा ध्यान से, है अगर कोई डाउट किसी बच्चे को तो पूछिए आप मुझसे। 4/3 पाई आर क्यूब, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पे रेडियस कॉमन है तो पाई बाहर निकाला, आर स्क्वायर बाहर निकाला, ब्रैकेट में यहां पे एच लगा डाला, यहां पे 4/3 लगा डाला, और आर स्क्वायर क्योंकि बाहर निकाला तो यहां पे आर छोड़ डाला। देखो लाइफ हो गई जिंदा लाला। क्या किसी बच्चे को कोई डाउट आया, आर कॉमन है सबका इसलिए मैंने पाई आर स्क्वायर बाहर निकाल लिया, हाइट ऑफ द सिलेंडर अलग है और रेडियस अलग है। तो प्यारे प्यारे क्लास 9th और 10th के बच्चों, आर का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, हाइट यहां पे आ गई 2, 4/3 आ गया, रेडियस 1 आ गया। एक बार नहीं मैं कहता हूं, दो बार सही, जरा मेरे द्वारा जो क्वेश्चन है कराया जा रहा उसे घूरो तो सही, क्या मेरे बच्चों को है अच्छे से समझ आ रहा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर आप सबको समझ आ रहा तो इसे सॉल्व करते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 3 × 6 + 4 यानी 10/3। एक बार नहीं मैं कहता हूं, घूरो तो सही, ये आ गया 220/21। 220/21 को सॉल्व करेंगे तो 21 10 210 हो जाएगा, तो 10 पॉइंट कुछ आपका आंसर आना चाहिए। प्लीज एक बार इसे सॉल्व करिए, और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों पूरा का पूरा क्वेश्चन, मैं कहता हूं पूरा का पूरा क्वेश्चन देखिए, घूरिए, आपको समझ आना चाहिए। प्यारे प्यारे क्लास 9 के बच्चों इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 10.47 मीटर क्यूब, और एक बार इसको वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा क्योंकि मैंने सॉल्व करके नहीं दिखाया है, केवल मैंने एक क्वेश्चन इससे पहले करके दिखाया था और एक क्वेश्चन मैंने अब करके दिखाया है कि कैसे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया जाता है। लेकिन पता है बच्चों, चाहे मैं 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा लूं, या मैं 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा लूं, या मैं 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा लूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप खुद हां जी, जब तक आप खुद कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि सिर्फ मेरे 2 या 3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा देने से सारे क्वेश्चंस कवर नहीं हो जाते। ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे जिनमें कोई ना कोई ट्रिक काम आ रही होगी, लेकिन मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपको ये 2 एग्जांपल्स कराने का एक ही पर्पस था कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं कम से कम आपके दिमाग में एक आइडिया बैठ जाए कि क्वेश्चंस आते किस तरह से हैं, कम से कम आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बैठ जाए कि कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का मतलब क्या होता है। एक बार मैं फिर से ये बात पहले भी कह चुका हूं, एक बार दोबारा से कह देता हूं, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स पूरी तरह से क्लास 10th के बच्चों की एनसीईआरटी में दिए हुए हैं क्वेश्चंस। क्लास 9th के बच्चे अगर इस तरह के क्वेश्चंस नहीं भी करेंगे तो उन्हें कोई डिसएडवांटेज नहीं है। लेकिन मैं जब भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ाता हूं तो मैं 9th और 10th दोनों के ही बच्चों को 9th और 10th की पूरी पढ़ाई एक साथ कराता हूं, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, पूरा ज्ञान मिले तो पूरा हो इरादा, यही है मेरा अपने प्यारे प्यारे बच्चों से किया हुआ वादा जो मैं हमेशा अपनी क्वालिटी टीचिंग से हूं निभाता। आई होप मेरे बच्चों को सब कुछ है अच्छे से समझ आता। सो अगर आपको मेरे से पहले वाले वीडियो लेक्चर्स और आज के द्वारा आज ये शेयर किए गए वीडियो लेक्चर में मेरे द्वारा बताई हुई सारी बातें अच्छे से समझ आई है तो इन वीडियो लेक्चर्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर अभी तक आप में से किसी ने चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करना ना भूलें। आज के इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद प्लीज 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 मेरी रिक्वेस्ट है, जो क्वेश्चंस मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूं या जहां भी आप रहते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मंगवा सकते हैं, या जो भी किताब आपके पास है उससे प्रैक्टिस कीजिए, मेरे द्वारा दिए गए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और डाउट गैदर कीजिए और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी को पक्का कीजिए। आज का वीडियो लेक्चर था वीडियो लेक्चर नंबर 5 ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बहुत जल्द लौट के आऊंगा अगला वीडियो लेक्चर और सरफेस एरिया वॉल्यूम को आगे बढ़ाऊंगा। आज के वीडियो लेक्चर में दिया जो आपने अपने जीवन का कीमती वक्त उसे उसके लिए मेरी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू प्यारे प्यारे क्लास 9 और क्लास 10 के बच्चों।